पारी की मौत पर सवाल उठाते हुए परिजनों ने सिहोरा थाने के गेट पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और मृतक सुदामा के परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस नागपुर से मर्ग डायरी और पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने का पुलिस ने आश्वासन दिया। तब जाकर मृतक के परिजन शांत हुए। मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, मृतक सुदामा अपनी कार में खून से लथपथ मिला था, जिस पर पुलिस ने सिहोरा के सिविल अस्पताल में उसे भर्ती कराया, लेकिन नाजुक हालत होने की वजह से उसे जबलपुर रेफर किया गया। उसके बाद सुदामा को नागपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अंजना के परिजनों से मुलाकात करने के लिए सीएम मोहन यादव सागर पहुंचे थे। उसके बाद सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया। बड़ौदिया नूनागीर में खुलेगी एक पुलिस चौकी। सीएम पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूरा मामला संदिग्ध परिस्थितियों में अंजना की मौत हो गई थी। चाचा को आरोपियों ने बुरी तरह से पीटा था और पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। राजीनामे को लेकर हुई थी अंजना के चाचा की हत्या। छेड़छाड़ का विरोध करने पर अंजना के भाई का मर्डर हुआ था। छेड़छाड़ का ये मामला था जिसका विरोध किया था अंजना के भाई ने, जिसके बाद आरोपियों ने बेरहमी से उसको पीटा बहुत बुरे तरीके से और उसका मर्डर कर दिया था। उसके चाचा के साथ भी मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले में काफ़ी सवाल भी खड़े हुए थे तमाम तरीके के। तो आज सीएम मोहन यादव अंजना के परिवार जनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्हें सांत्वना दी, 4 लाख का मुआवजे का ऐलान भी उनके परिवार के लिए किया। बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रचित दुबे हमारे संवाददाता सागर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रचित, विस्तार से ही जानना चाहेंगे, मुलाकात सीएम ने परिवार जनों से की अंजना के, अब ऐसे में उनके बाद क्या ऐलान किया गया है परिवार के लिए? और अच्छी बात यह कि एक चौकी खुलेगी इस इलाके में, जिसकी मांग भी स्थानीय लोगों की लंबे वक्त से थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजकुमार अहिरवार की घर पर पहुंचे थे और पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर में एक पुलिस चौकी भी खोली जाएगी और जो मृतक राजेंद्र अहिरवार है उसके परिजनों को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने 4 लाख की राशि बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी और शेष राशि जो है वो चालान प्रस्तुत होने के बाद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने चौकी खोलने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि गांव में लगातार इस प्रकार की घटनाएं ना हो। 3 हत्याएं गांव में हो चुकी है और अगर आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो, परिजनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है और उचित उन्हें न्याय दिया जाएगा और घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जी रचित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।